इंडिया की फूड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है एडल्ट्रेशन की। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई इंटीग्रेट हो गया है इस मशीन से। तो हम एमडी से ही जानेंगे कि हाउ डज दिस मशीन वर्क एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड कैसे ये हमें नकली पनीर, नकली घी, नकली दालों से बचा सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टोटली नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कोई भी केमिकल कंज्यूमेबल नहीं लगता है। इसकी एनालिसिस जो है वो टोटल एनालिसिस है, जिसके अंदर में आपका रॉ मटेरियल एनालिसिस हो रही है, फिनिश गुड हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, एटलाइन हो रही है, लैब में हो रही है, और हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक इमेज ली जाती है। जैसे कि अपना एक ग्रेन है तो ग्रेन के अंदर में एडल्ट्रेशन दिखा जाएगा, वैरायटी दिखा देंगे, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, इंसेक्ट्स है, सारी चीजें आपको ये दिखा देगा। तो इससे हम हर रॉ मटेरियल जो भी किसी फूड प्रोसेसर के पास आए उसको परख सकते हैं कि सही है कि नहीं। हाँ, ये इसको आप परख भी सकते हैं और इससे आप अपना प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर में सिर्फ ये रॉ मटेरियल के लिए नहीं है, ये जो है वो प्रोडक्ट आपका फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी है, ऑनलाइन भी है, और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट आगे डेवलप करने के लिए काम आता है। क्योंकि ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंपनी डेनमार्क की कंपनी है जो बनाती है, और ये एक ही कंपनी ऐसी है जिनके पास में इसके टोटल राइट्स है, तो इनके पैटेंट रजिस्टर्ड। तो एक आम इंडिविजुअल वो इससे कैसे बेनिफिट ले सकता है? वो सारे जो है ये मशीन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने यहाँ लैब में बिठाते हैं, और बाकी कई सारे ऐसे पब्लिक एनालिटिकल लैब है जिनके पास में मशीन उपलब्ध है, तो वहाँ वो ले जाकर अपने सैंपल टेस्ट करवा सकते। अच्छा, सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। फाइव मैंने एक पैकेट ऑफ चिप्स लिया, अब वो कितना सही कितना अच्छा है वो मैं बता देगा। अभी आप जब चिप्स लेते हैं, मसाला चिप्स लेते हैं, तो चिप्स के ऊपर में हर चिप्स के ऊपर में मसाला प्रॉपरली स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आप एक ड्राई फ्रूट आइसक्रीम लेते हैं तो उसके अंदर में प्रॉपर उनके नॉर्म्स के हिसाब से ड्राई फ्रूट है या नहीं, या है, नहीं है, तो वो भी आपको ये 10 सेकंड में बता देगा। अच्छा, इसमें मैं ड्राई अगर एक बादाम आया और वो फ्रेश है, अच्छा है, कंज्यूमेबल है कि नहीं, वो मैं इससे चेक कर सकता हूँ? जी जी, चेक कर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन AI बेस्ड होती है? ये टोटली AI बेस्ड है, और वो पूरे डाटा आपको इंडिविजुअल इमेज के बेसिस पे मिलता है। इंडिविजुअल इमेजेस के बेसिस पे आपको ये डेटा मिलेगा, सो इट्स एक्चुअली अ वेरी फिनोमिनल प्रोडक्ट एंड ये तो गेम चेंजर्स हो जाएगा सर जी इंडियन कंपनीज के लिए। अभी हो ही रहा है, ये कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे राइस इंडस्ट्रीज है, हल्दीराम है, फूड इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल में भी इसी की एप्लीकेशन है। तो जैसे कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स है या नेचुरल प्रति के प्रोडक्ट्स है तो वो सारे इसी में टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंगल मशीन इज हैविंग अ मल्टीपल एप्लीकेशन इन टू द मल्टीपल इंडस्ट्रीज। मल्टीपल है लेकिन फूड प्रोसेसिंग में और फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में टोटली AI स्टेप। सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव करने में नहीं है, टेस्ट चेकिंग करके आज फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी वाले हैं जो अपने को पनीर की जगह पे और चीजें देते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ, वो सारी चीजों को आपको इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते, ओरिजिनल मेडिसिन डुप्लीकेट मेडिसिन को भी ये चेक कर सकता है। तो सर आज यहाँ पे हाउ वाज द रिस्पांस इन वर्ल्ड Food India 2024. We had a very good food India का जो response रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और expected है कि we will have a very good clientele also, और जो government of India है जिसमें minister जी ने भी यहाँ पे visit की थी, बिट्टू जी ने भी यहाँ पे visit की थी, और उन्होंने भी हमें invite किया है presentation के साथ में। वो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसमें कहाँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन आप देते हैं उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड दिस इज द फ्यूचर ऑफ फूड इंडस्ट्री।